care about his gender. He started very sensitive and women. Then, एसोसिएट स्पॉन्सर अल्ट्राटेक सीमेंट। नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपनु स्वागत छे, हूं छु अक्षय। आज नो दिवस खूब हाई प्रोफाइल वोल्टेज ड्रामा वालो रह्यो, कारण के वडाप्रधान नरेंद्र मोदी ए गुजरात में बे सभाओ संबोधी अने ए परिस्थिति वच्चे के ज्यां क्षत्रियो द्वारा सतत विरोध यथावत छे, भाजपना कार्यालयो नथी खुली रह्या, विरोध थई रह्यो छे, त्यारे हवे वडाप्रधान मोदी भाजपना नेताओ साथे मुलाकात करी रह्या छे। शुं रहेशे तेमनो एजेंडा, आवतीकालना कार्यक्रम शुं छे, कया कया नेताओ गुजरात आवी रह्या छे, अने हवे ज्यारे मतदानने 5 दिवस बाकी छे त्यारे कोंग्रेस होय, बीजेपी होय के आम आदमी पार्टी, तमाम एडी चोटीनुं जोर लगावी रह्या छे। केंद्रीय नेताओं गुजरात आ रहा है, प्रादेशिक नेताओं काम कर रहा है, राजकीय जंग पण बराबर जोवा मळी रह्यो छे, अने एटले शुरू करीशुं महासंग्राम 2024। तो पीएम मोदी ए पोताना गुजरात प्रवास की शुरुआत डीसा थी करी हती। अहीं तेओए संबोधन दरमियान अलग अलग मुद्दाओं पर बात करी, विपक्ष ने गेरवा थी लईने जीतनो आशावाद व्यक्त कर्यो। मोदीए संबोधन में राहुल गांधी पर प्रहार करता कहूं कि राहुल हमेशा ओबीसी समाज नो अपमान कर्यु छे, हवे एवुं जुठ्ठुं लईने आव्या छे कि मोदी जीतशे तो संविधान बदली नाखशे। कांग्रेस के साहजादे ने गर्व के साथ पूरे मोदी समाज को, पूरे ओबीसी समाज को चोर कह दिया। मोदी क्योंकि गुजरात से हैं, इसलिए पूरे देश में गुजरातियों के विरुद्ध नफरत फैलाने की एक भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। ये नहीं रुके, इन्होंने मेरे माता पिता पर भी भला बुरा कहने में पीछे नहीं रहे। भाइयों और बहनों, अब 2024 में कांग्रेस और एनडी गठबंधन ऐसा झूठ लेकर के फिर से एक बार मैदान में आए हैं, और उनकी जो इकोसिस्टम है वो भी उस झूठ को हवा दे रही है। संविधान दिखाते हैं, आरक्षण ले लेंगे इसका डर दिखाते हैं, पूरी तरह मनगढ़ंत गप्पाजी, यही उनका काम है। कभी कहते हैं मोदी को कोई परिवार नहीं है, तो क्या परिवार वालों को भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? कभी कहते हैं मोदी को जेल में डाल देंगे, कभी कहते हैं मोदी का सर फोड़ देंगे, ऐसी ऐसी बातें लेकर के वो चुनाव के मैदान में उतरे हैं। और देखिएगा, इस बार भी ये पहले से कम सीटों में सिमट जाएंगे। तो संविधान बदलवानी बात ने स्पष्ट रदियो आप्या बाद मोदी आरक्षण पर बात करी। तेओ कहूं के धर्मना आधार पर मोदी कोई ने आरक्षण नहीं आपे अने ना आपवा देशे, साथे ज एससी एसटी अने ओबीसी नी अनामत ने आंच नहीं आवे। आले उनकी जमात कान खोल के सुन ले, ये मोदी है, मोदी जब तक जिंदा है मैं तुम्हें कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण का खेल खेलने नहीं दूंगा। एससी एसटी ओबीसी और सामान्य वर्ग के गरीब, उनको जो आरक्षण मिला है संविधान के तहत मिला है, बाबा साहब आंबेडकर के आशीर्वाद से मिला है, उस पर रत्ती भर भी कोई लूट नहीं सकता है। तो डीसा बाद पीएम मोदी हिम्मतनगर गया था, अहीं पण तेओ चूंटणी प्रचार कर्यो अने साथे विरोधियों ने आड़े हाथे लीधा हता। सांभळो, आज कांग्रेस पार्टी और पूरा उनका इंडी गठबंधन एक फेक फैक्ट्री बन चुका है। ये कहते हैं खुद तो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं मोहब्बत की दुकान, लेकिन उनकी मोहब्बत की दुकान ऐसी है जो फेक सामान, फेक नारे, फेक वादे इसको बांटने में लगी हुई है। मोदी को बदनाम करने में वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है
मैं हिंदुस्तान में जहां जहां गया हूं, देश उनकी ये झूठी बातें, फर्जी बातें स्वीकार नहीं कर रहा है। पहले और दूसरे चरण में जो मतदान हुआ है उनके होश उड़ गए हैं और बहानेबाजी खोज रहे थे। अब जो पूरा पराजय में भी मोरल विक्टरी देखते हो, उन लोगों को देश की जनता कभी स्वीकार करने वाली नहीं है। एसोसिएट स्पॉन्सर अल्ट्राटेक सीमेंट।